सर बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, और इस टाइम जो टाइम है मार्च अप्रैल वाला, वो बहुत ही एग्ज़ाम वाला टाइम है, और बच्चों को कहीं ना कहीं अब 10th के एग्ज़ाम है, 8th के एग्ज़ाम है, उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो एग्ज़ाम को किस तरह से एग्ज़ाम के साथ डील करना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, और जो बच्चों ने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है वो अब इतने कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जहाँ से जागे वहाँ सवेरा, पहली बात तो ये है। अब जिसने नहीं पढ़ा है, अब एग्ज़ाम्स तो देने हैं, पढ़ाई करनी है, तो जो अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए मेरा सिर्फ एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए हमारा जी, कि हमको एक दिन, अब मोस्टली स्कूल्स में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बोर्ड के शुरू हो गए हैं जी, और CBSE के 9 या 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो स्टिल यू हैव अ वीक लेफ्ट। अगर मैं CBSE की बात करूँ तो अभी हमारे पास एक हफ्ता है जिसमें अभी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं जी। तो उसमें सबसे पहले तो हम अपना टाइम टेबल बना लें अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ द बोर्ड, कि कब कौन सा एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल में मेरा कहना यह है कि जब तक एग्ज़ाम आपके शुरू नहीं होते, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक हर रोज़ आप हर सब्जेक्ट पढ़िए फॉर सर्टेन टाइम। अगर आप सोचेंगे नहीं आज मैं 2 दिन मैथ्स ही पढ़ूंगा और फिर मैं 2 दिन बाद फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं 2 दिन बाद केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ये प्रैक्टिस गलत है। सो यू हैव टू डिवोट टाइम टू ईच सब्जेक्ट, पहली बात। ये तो एक तरीका हो गया पढ़ने का। दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आप जब भी जो चीज़ पढ़ें उसको आपने आज पढ़ा मानिए, और उसको 3 दिन बाद वापस देखिए। देखने का मतलब पूरा पढ़ना नहीं है, सरसरी निगाहों से उसको देखिए, फिर उसको 3 दिन बाद फिर देखिए, तो आपकी मेमोरी में वो रहेगा, और जब आपका वो एग्ज़ाम पर्टिकुलर आने वाला है तब तक आपकी मेमोरी में रहेगा, तो आपके जो भी 2 दिन एग्ज़ाम के पहले आपको प्रिपरेशन में मिलेंगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इसको आज पढ़ के और फिर आप सीधे उसी दिन खोलेंगे, मेहनत पड़ेगी, तो वो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा जी। और जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे थ्योरम्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, 2 तरीके से पढ़िए। एक तो लिख के उनको पढ़िए, और एक जोर से बोल के पढ़िए, क्योंकि जो साइलेंटली पढ़ते हैं उसका इफेक्ट इतना नहीं आता जी। और अगर आपके दोस्त हैं जो पढ़ते हैं आपके साथ, एक दूसरे को पढ़ाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10-15-20-25 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाएं और हो अल्लाह करें, उसको पढ़ना नहीं कहते। एक दो चूज़ करिए, उनको आपको वो कुछ पढ़ाए, आप उसको पढ़ें, ये करें, और रेगुलर अपने आप को टेस्ट करें, मॉडल टेस्ट पेपर्स ले लें, रेगुलरली टेस्ट करें। अब यही एक यही तरीका है, और यही तरीका होना चाहिए। समय चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसी हिसाब से आपको उसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा।